मेरा नाम शंकर पोल जी है और मेरे साथ रामा काणकोणकर जी हैं और हमारे बाकी के एक्टिविस्ट, हम सब लोग गोवा से आए हैं यहाँ पे दिल्ली में। जंतर मंतर पे हमारा एक प्रोटेस्ट था कल और हम लोग यहाँ पे आने का कारण है, हम लोग गोवा में प्रोटेस्ट कर करके थक गए हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारी गोवा की सरकार नहीं सुन रही है और हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो रिवर मादई का डाइवर्जन जो कर्नाटक का डाइवर्ट करने को देख रही है, डिफॉरेस्टेशन, आज मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हिल कटिंग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सो डिफरेंट ऐसे हमारे 5 मुद्दे हैं जो हम लोगों ने कल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को सबमिट किए हैं। हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है कि गोवा का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पीस एंड हारमोनी को देख के ये जो सरकार जो फेल हो चुकी है उनके ऊपर थोड़ी एक्शन ली जाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि गोवा में जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स इस तरह से आ रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे गोवा के सीएम को रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज हमारे गोवा के सीएम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि बाहर की जो बिल्डर लॉबी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि गोवा ईच एंड एवरी डे आंदोलन पे है, ईच एंड एवरी डे गोवा के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो टूरिज्म है वो हमारा जो ये है एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हम जो टूरिज्म आता है वो हमारा सुंदर गोवा देखने के लिए आता है, न कि ये कंक्रीट जंगल। हम लोग गोवा को कंक्रीट जंगल में बदलते हुए नहीं देख सकते। आज गोवा की सरकार ने 1,20,00,000 स्क्वायर मीटर समथिंग जो ज़मीन है वो कन्वर्ट की है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, सो ये एक बहुत ही धोखे का चिन्ह है। सो ये सब जो मुद्दे हैं वो हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, हमारे प्रदर्शन के जरिए हम लोग यहाँ के जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए MPs हैं उनको दिखाने के लिए ताकि ये मुद्दा पार्लियामेंट में आए। सो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप इस पे गौर करें और गोवा में जो चल रहा है वो प्लीज़ स्टॉप करें। और हम लोगों का एक डिमांड है कि गोवा का जो सीएम है वो टोटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करने के लिए फेल हो चुका है, हमारा पर्यावरण सेव करने के लिए फेल हो चुका है और गोवा के मुद्दे एड्रेस करने के लिए फेल हो चुका है। सो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन दे करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो सकता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। थैंक यू।